तेरे पास दो ऑप्शन है, पहला उसे यहां बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यही मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? क्या बागी 4 में टाइगर श्रॉफ के साथ एक और स्टार देखने को मिलेगी? इस बार बागी 4 की एक्ट्रेस कौन होने वाली है और इसको खास बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है साजिद नाडियाडवाला द्वारा? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे वाली ग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। बागी 4 लगातार चर्चाओं में है, हालांकि फिल्म अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पर है और साजिद नाडियाडवाला चाहते हैं कि इस बार कहानी दमदार हो, एक्शन देखने में मज़ा दोगुना हो जाए, इसीलिए वो अपने राइटर्स की टीम के साथ बैठकर कहानी पर दिमाग लड़ा रहे हैं। फिल्म के बारे में लगातार बातें सामने आ रही है, बात तो ये तय है कि टाइगर श्रॉफ तो होंगे ही होंगे। अगर टाइगर बागी में नहीं हुए तो बागी सीरीज़ का फिर मतलब ही नहीं बनता, इमेजिनेशन ही नहीं की जा सकती बागी 4 की। जहाँ तक हीरोइन का सवाल है तो कह दिया गया है कि जैसे ही स्क्रिप्ट फाइनल होती है हीरोइन का नाम भी सामने आ जाएगा। फिलहाल 3 नाम सामने आ रहे हैं जो कि एक्ट्रेस हो सकती है इसमें। पहला नाम है जैकलिन फर्नांडिस, दूसरा है पूजा हेगड़े और तीसरा है दिशा पाटनी, जो कि बागी 2 में भी नजर आ चुकी हैं। अब एक और नई खबर इससे जुड़ चुकी है कि बागी 4 में टाइगर श्रॉफ के साथ एक और बड़े स्टार होने वाले हैं जो कि उम्र दराज होने वाले हैं और इन दोनों के बीच जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। क्या पता ऋतिक रोशन को इस फिल्म में ले लें। वैसे बागी 4 में अगर ऋतिक और टाइगर हो जाए तो कितना मजा आएगा, मतलब वॉर वाला वो सीन रिक्रिएट हो जाएगा और मजा दोगुना हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये उम्र दराज एक्टर कौन होने वाला है ये नहीं पता है। बागी 4 की शूटिंग अगले साल से शुरू होनी है और इसमें बहुत अलग ही लेवल का आपको एक्शन देखने को मिलेगा। बागी 3 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था और बागी 3 की शूटिंग सर्बिया में की गई थी और टाइगर इतनी मेहनत की थी इस फिल्म के लिए कि क्या बताएं, मतलब कि बेयर बॉडी के साथ उन्होंने शूट किया था और शूटिंग के दौरान जितने भी सीन थे वो रियल सीन थे बिना VFX। पहले हमें लग रहा था कि VFX का यूज़ तो हुआ ही होगा, इतना खतरनाक कोई एक्टर नहीं कर सकता, लेकिन जब मेकिंग का वीडियो सामने आया और बताया गया कि ये सारे सीन टाइगर श्रॉफ ने किए हैं तो उनके लिए दिल में अलग ही इज्जत पैदा हो गई कि यार टाइगर वाकई अगर प्योर एक्शन स्टार, ट्रू एक्शन स्टार हम बॉलीवुड का इस वक्त किसी को कह सकते हैं तो वो टाइगर श्रॉफ ही है। और अब हर सीरीज के साथ जैसे कि एक्शन एक लेवल अप होता है तो बागी 4 के साथ तो अब 4 लेवल अप होने वाला है, मतलब कि धमाकेदार एक्शन होने वाला है। और जो एक्शन टीम है, पिछली बार 3 से ज़्यादा जो देश है उनके एक्शन टीम को बुलाया गया था, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ किया जाना है। जिस तरह से साजिद की बातें सामने आ रही है तो बागी 4 में धमाकेदार एक्शन होने वाला है। बागी 3 मार्च के महीने में रिलीज की गई थी, उसके बाद लॉकडाउन हो गया जिसकी वजह से इसका जो बॉक्स ऑफिस है इतना नहीं कर पाई जितना कर पाना था इसने, तो अब बागी 4 में वो पूरी जान फूंक देंगे और जो बागी 3 में कमी रह गई थी उसे पूरा करना है। तो दोस्तों, आपको बागी 4 का कितना इंतजार है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख डालिए और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।